हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लारावेल से फाइल अपलोड कैसे होती है, तो आज हम देखने वाले हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एंगुलर में फॉर्म डेटा को अपेंड करवाया था और डेटा और हमने फाइल की ली थी, उसमें हमने डेटा को स्टोर करवाया था और लारावेल की एपीआई में भेजा था। अब ये जो डेटा है वो डायरेक्ट हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो डेटा है वो एक फाइल की में मिलेगा और दूसरा जो है वो डेटा की में मिलेगा। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे DD $request अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारी एपीआई में किस तरह से हमें डेटा मिल रहा है। हम फ्रंट एंड से पास करते हैं तो यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ टेस्ट, एज 15, सैलरी हमने लिख दी। फिर यहाँ से हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से स्टेट सिटी सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हॉबी सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इमेज अपलोड कर देते हैं। और सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमें डेटा इस तरह से मिल रहा है, हमें फाइल मिल रही है और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें डेटा की भी मिल रही होगी और उसमें हमें डेटा मिल रहा होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें डेटा का ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि नहीं। ये हमारा डेटा का ऑब्जेक्ट मिल रहा है डेटा, और उसमें जो हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई करके हमने डेटा जो भेजा है एंगुलर से वो मिल रहा है यहाँ पे। अब ये डेटा सबसे पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इंसर्ट करवाना होगा। तो हम यहाँ पे लारावेल में चले जाते हैं। अब लारावेल में हमें जेसन डिकोड करना हो तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, $employee data is equal to JSON_decode $request और हमें जो की ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो हमें डेटा में से मिल रहा है। अब इसको हम डीडी करवाते हैं, एम्प्लॉय डेटा। अब यहां पे मैं सबमिट करता हूं तो हमें ये जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यहां पर डिकोड हो गया है, जिसमें यहां पर हमें नेम, एज, कंट्री, स्टेट, सिटी, एज, हॉबी मिल रहा है। हमें फाइल जो है वो रिक्वेस्ट फाइल में मिल रहा था। अब हमें फाइल का नेम भी स्टोर करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम $employee data में फाइल को भी स्टोर करवा लेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ करनी है कि हमें जो ये जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो हमने जो डिकोड किया है उसको हमें एज अ एरे कन्वर्ट करना है एसोसिएटिव एरे में, क्योंकि हम जब डेटा इंसर्ट करवाएंगे यहाँ पे हम एड एम्प्लॉय फंक्शन हमने कॉल करवाया हुआ है employee.php में, उसमें इंसर्ट जो फंक्शन है वो एसोसिएटिव एरे सपोर्ट करता है, तो हमें एसोसिएटिव एरे में डेटा भेजना होगा नहीं तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रू पास करना है पैरामीटर, जेसन डिकोड में ट्रू पास करने से हमें जो डेटा है वो एसोसिएटिव एरे में मिल जाएगा। हम चेक करते हैं, ये हमारा जो डेटा है वो हमें एरे में भी कन्वर्ट कर दिया है उसने, ये जो हमारा सेकंड पैरामीटर है ट्रू, उसने कंट्री, स्टेट, सिटी, ये आप देख सकते हो कि एसोसिएटिव एरे में मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय डेटा में इमेज का नेम भी भेजना है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा में मैं यहाँ पर इमेज करके भेज रहा हूँ। इमेज में मैं यहाँ पर जो हमारा इमेज का नाम हमने स्टोर किस में करवाया था, $Original Image में, तो वहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब एम्प्लॉय डेटा को हम प्रिंट करवाते हैं।
तो यहाँ पर इमेज भी मिल रहा है टेस्ट डॉट पी एन जी, तो वो भी यहाँ पर आ गया है। अब हम चेक करते हैं कि डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एरर आ रही है कि अननोन कॉलम डेटा इन फील्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट ऑल को चेंज करना है। यहाँ से हमने किस में स्टोर कर दिया सब कुछ, डॉलर एम्प्लॉय डेटा में, तो ये हमने यहाँ पर डॉलर एम्प्लॉय डेटा रख दिया। अब सबमिट करते तो यहाँ पे आ रहा है अननोन कॉलम कंट्री इन फील्ड लिस्ट। तो हमने डेटाबेस में जो है वो यहाँ पर कॉलम क्रिएट नहीं की है कंट्री स्टेट सिटी और इमेज के लिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें यहाँ पर तीन कॉलम ऐड कर देते हैं आफ्टर हॉबी। हमें जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मिल रहा था एरे एसोसिएटिव एरे जो मिल रहा था उसमें कंट्री स्टेट सिटी नाम ये यहाँ पर, तो यहाँ पर कंट्री उसके बाद स्टेट और सिटी। यहाँ पर हमें इंटीजर इंसर्ट करवाना है क्योंकि इसमें जो आईडी होगी वो इंसर्ट होगी। लेंथ में यहाँ पर 10 दे देता हूँ, ये हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद एक और फील्ड ऐड करनी है इमेज नाम की, क्योंकि हमने इमेज नाम की जो फील्ड है वो यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में ऐड की थी जिससे हमारा इमेज का नाम भी यहाँ पे स्टोर हो जाए। अब हम चेक करते हैं सबमिट करके, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है। हम एम्प्लॉय टेबल में चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 44 जो रो इंसर्ट हुई है वो यहाँ पर टेस्ट डॉट पी एन जी, लास्ट रिकॉर्ड हमारा 45 है। हम दूसरी बार इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो 45 रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम इमेज का नाम स्टोर करवा सकते हैं, और जो जेसन डेटा है जब हम उसको डिकोड करते हैं तो उसको एसोसिएटिव एरे में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमने इमेज डेटाबेस में स्टोर करवाई है उसको हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।